काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाल ही में मुझे पता चला कि जैसे इस कहानी में ये बताया गया कि हनुमान ने एक रामायण लिखी केले के पत्तों पर, तो अपने नाखूनों से पत्तों पे शब्द लिखे खरोंच के, और पूरी रामायण जो है पूरे केलों के वन में उसको लिख दी छंदों में। तो एक वर्जन इसका ये भी है कि हनुमान ने ये कहानी नाखूनों से पत्थरों पर लिखी खरोंच के, बहुत सारे पत्थर थे। और तब जब नारद आए तो इसमें तो हमारी कहानी में तो वो केले के पत्ते तोड़ के उनका गोला बना के खा जाते, उस कहानी में ये है कि वो पत्थरों को तोड़ के एक एक करके पानी में फेंक देते हैं। तो एक शो हमने पिछले साल किया था नीनासम इंस्टीट्यूट में हैगोडू में कर्नाटक में, और वहाँ बच्चे भी थे, वहाँ ड्रामा स्टूडेंट्स भी थे, गांव के लोग भी थे, इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे। तो एक छोटा बच्चा था, मेरे से 3 या 4 साल का होगा, और वैसे तो ये नाटक हमने जो बनाया है वो 8-9 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए है। तो जो 4 साल का छोटा बच्चा था उसने नाटक के बाद बोला कि मुझे नाटक तो बहुत पसंद आया, म्यूजिक बहुत अच्छा था। और ये ऐसा बच्चा है जो वहाँ एक टीचर जो है उनका पोता है, तो उसको नाटक देखना, रिहर्सल्स देखना, इस सब चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उसने कहा लेकिन मुझे नाटक में एक दो प्रॉब्लम लगी। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो बोला नहीं नहीं वो कुछ हनुमान का कैरेक्टर ठीक नहीं था। कभी क्या हो गया, कुछ उसको हम चेंज कर सकते हैं? दो चीजें प्रॉब्लम है, एक कि आपके हनुमान के पास पूंछ नहीं तो वो पूरे हनुमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिना हनुमान पूंछ के हनुमान आप बना ही नहीं सकते, तो वो गलती है, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। और दूसरा कि आपकी नाटक में हनुमान उड़ता नहीं है तो वो भी थोड़ा सा खला, और इसलिए थोड़ा इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस था, बाकी सब बहुत अच्छा था। खरी खरी कहते सदा सच का देते साथ, और पोल भ्रष्ट की खोल दे जो करते हैं घात, लोग फिर भी करते बदनाम, लोग फिर भी करते बदनाम, मीडिया वर्क हमारा काम, सुनो जी नारद मेरा नाम, मीडिया